1993 में मार्क एंड्रीसन एंड एरिक बीना ने मिलकर बनाया था मोज़ेक इंटरनेट ब्राउजर और पहली बार लोगों ने इसके थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर किया था। उसके बाद अगस्त 1995 में इनकी कंपनी नेटस्केप कम्युनिकेशंस का आईपीओ आया जो कि उस टाइम का थर्ड बिगेस्ट आईपीओ था। इशू प्राइस रखा था $14 बट लास्ट मिनट चेंज करके कर दिया डबल $28। फिर भी ये स्टॉक ओपन होता है $71 पे और फिर इसी के ह्यूज सक्सेस से स्टार्ट होता है .com बबल। ईयर 95 से 2000 तक इतने सारे नए इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स आए एंड उन सभी स्टार्टअप्स को भर भर के फंडिंग्स मिली। नैस्डैक इसी पीरियड में 400% इंक्रीज हो गया और हर एक कंपनी जिसके नाम के पीछे सिर्फ .com भी लिखा था उसका स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और रियलिटी में ज्यादातर कंपनीज के पास कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी नहीं था, वो अपनी फंडिंग का 90% से भी ज्यादा पार्ट सिर्फ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे थे। फाइनली ईयर 2000 में ये बबल बस्ट होता है एंड सिस्को और इंटेल जैसी कंपनीज ने भी अपने स्टॉक में 80% का वेल्थ डिस्ट्रक्शन देखा और ज्यादातर कंपनीज जो इस दौरान स्टार्ट हुई थी वो बैंकक्रप्ट हो चुकी थी और नैस्डैक में भी 80% का फॉल आ चुका था। इसके कुछ ही सालों बाद यूएस में एक और बबल आया था, उसका नाम क्या था?